आप भी अपने चेहरे को ग्लौसी बनाना चाहते हैं बेहद गोरा निखरा और बेदाग बनाना चाहते हैं तो आज की रेमेडी आपके लिए है जो कि आपकी स्किन से कालापन हटाएगा सन टैन को हटाएगा और चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी बनाएगा और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बनाएगा और सन टैन को भी दूर करेगा अक्सर हमारे फेस पे सन टैन हो जाता है वो भी गर्मियों में आप देख सकते हैं इस रेमेडी को लगाने के बाद स्किन कितनी ग्लॉसी लग रही है और बहुत ही अच्छी शाइन शाइनी लग रही है मेरी स्किन तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना तो चलते हैं वीडियो की तरफ तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेनी है इंस्टेंट कॉफ़ी बिल्कुल बारीक पाउडर जो कॉफ़ी होती है जो एक रुपये का भी आपको पैकेट मिल जाता है आप वो भी ले सकते हैं तो चलिए हमने यहाँ पर लिया है एक साफ बाउल या कंटेनर जिसमें हम ये रेमेडी को स्टोर करके रख सकते हैं इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हम इसे एक से दो महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं तो आप कोई ऐसा कंटेनर लें जिसमें आप इसे स्टोर कर सकें तो हमने यहाँ पे लिया है वन टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर यहाँ पे आप एक रुपये की कॉफ़ी भी ले सकते हैं और हमने यहाँ पे डालना है हनी अच्छा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो दो चम्मच डालें ऑयली है तो आप एक से आधा चम्मच भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर मेरी स्किन नॉर्मल है तो यहाँ पर मैं वन टी डालूंगी डालूँगी यहाँ पर हम डालेंगे हनी शहद डालेंगे हम यहाँ पर हमने इसमें शायद अच्छे से डाल दिया है जो हमारा थर्ड इन्ग्रीडियंट है वो है फ्रेंड कच्ची हल्दी यानी कि कस्तूरी हल्दी जो कि पिम्पल्स को कालापन को और सन टैन को हटाता है बिल्कुल चुटकी हमने डाल दी है जस्ट अ पिंच कस्तूरी हल्दी अच्छा अब हमने इसमें डालना है एलोवेरा जेल जो कि ईजिली हमारे घर में होता ही है यहाँ पे मैं मार्केट वाला ले रही हूँ यहाँ पे मैं डालूँगी लगभग एक चम्मच ही एलोवेरा जेल अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस एक चम्मच डालें अगर ड्राई है तो आधा चम्मच डालें अब क्या करना है हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ये एक तरह से जेल बन जाएगा जिसे कि हम कॉफ़ी जेल भी बोल सकते हैं ये सन्टैन को हटाएगा डार्क स्पॉट्स डार्क सर्कल्स और जो स्किन पे पफीनेस होती है उसे दूर करेगा और चेहरे को भी एक से दो शेड लाइटन करेगा और इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे एक से दो मिनट तक आराम से रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके भी रख सकते हैं तो बिना किसी ताम झाम के इसे बनाइए आज ही और इसे लगाइए और अपने एक्सपीरियंस में ऐसा शेयर कीजिए तो चलिए हमारी रेमेडी तैयार है अब मैं इसको अपने स्किन पर लगा के दिखाती हूं देखिए मेरे फेस पर किसी तरीके का मेकअप नहीं है और अब मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी आप इसे दिन में एक से दो बार भी लगा सकते हैं तो अच्छे से दो से तीन मिनट तक मैं मसाज करूंगी आपको बहुत ही जेंटली अपने फेस पे मसाज करनी है कॉफ़ी क्या करता है हमारे स्किन को बहुत अच्छे से लाइटन करता है सन टैन को रिमूव करता है स्किन को पॉलिश करता है और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से लगाऊंगी और हनी भी हमारे स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है इसमें भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और एलोवेरा में भी स्किन को मॉइस्चराइजिंग करने की प्रॉपर्टीज़ होती है और साथ ही साथ ये काले दाग धब्बों को भी दूर करता है तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से अपने फेस पे लगाऊंगी हमने इसको अच्छे से दो से तीन मिनट लगाने के बाद हम क्या करेंगे इसको हम कम से कम बीस से पच्चीस मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे अगर आप रात को लगा रहे हैं तो उसको ओवरनाइट यानी कि पूरी रात ऐसे ही रखें और उसके बाद इसे वॉश कर दें अगर आप नहीं रखना चाहते पूरी रात तो आप 15 से 20 मिनट रखें और उसके बाद आप इसे मसाज करते हुए वॉश कर दें तो मैं देखिए इसको अच्छे से मसाज कर रही हूँ और मसाज कर करने के बाद मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि कितनी अच्छे से ये हमारी स्किन पे एब्सॉर्ब हो जाता है एक तरह से जेल है और ये हमारी स्किन को क्रिस्टल क्लियर भी बनाता है तो चलिए मैं इसे वॉश कर लूँगी तो देखिए ये मैं ऐसे वॉश कर लिया है और स्किन काफ़ी मेरी ग्लोसी हो गई है और इसका मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि इस आपको मैं इसको पास से दिखाऊंगी कि इसको कितना अच्छा रिजल्ट आया है आप इसे रेगुलर ट्राई जरूर करना क्योंकि मैं इसे रेगुलर ट्राई कर रही हूँ इसलिए मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी कॉफी जेल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा इजी है अब बात आती है इसे हम कौन कौन एज ग्रुप के लगा सकते हैं अगर आप फोर्टीन ईयर्स के टीन एजर हैं तो लगा सकते हैं एंटी एजिंग आपकी उम्र थर्टी प्लस है तो आप तब भी लगा सकते हैं कोई भी एज ग्रुप के लोग इसे लगा सकते हैं और आप इसे कितने दिन स्टोर करके रख सकते हैं वैसे तो आप इसे दो से तीन महीने तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं बट इसे मिनिमम जो है आप इसे एक मंथ तक के लिए ही बनाया है ये मैंने बहुत ही कम क्वान्टिटी में बनाया है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी जो रेमेडीज है शेयर करती हूँ और इसलिए मैं कम बनाती हूँ ताकि मैं चीज़ों का जो है वेस्टेज ना हो इसलिए मैं कम बनाती हूँ जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताया है अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो उसको डबल और ट्रिपल कर लीजिए अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो सॉरी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें एक से दो बूंद तीन से चार बूंद तो आप ड्राई वो बादाम का तेल भी डाल सकते हैं वैसे तो ये, अपनी स्किन ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि हनी है वो नेचुरल स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है तो आप इसको रोज़ लगाइए रात को सोने से पहले अच्छे से आप इसको एक से दो मिनट तक अच्छे से लगाएं और इसे कम से कम पंद्रह से बीस मिनट ऐसे ही छोड़ दें और आप चाहें तो इसे ओवरनाइट यानी कि पूरी रात लगा के रख लें और सुबह इसे वॉश कर दें अच्छे रिजल्ट के लिए तो आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ टेल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे बाय बाय